नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे 9 बजे की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने से 3 छात्रों की मौत, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस की पूछताछ जारी। दिल्ली सरकार ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, भाजपा ने कहा इस मौत के जिम्मेदार केजरीवाल सरकार, छात्रों का आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार पदभार ग्रहण करने के बाद मन की बात की ये दूसरी कड़ी। भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन, पहले दिन बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस पर दिया जोर, सभी राज्यों से एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल लागू करने को कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आज से जापान का 2 दिवसीय दौरा, क्वाड देशों को विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। नौ राज्यों को मिले नए राज्यपाल, संतोष कुमार गंगवार को झारखंड और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया। हरिभाऊ किशन राव बाकड़े बने राजस्थान के राज्यपाल। मौसम की खबरों में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बारिश के कारण राज्य के नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इसराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट में फुटबॉल मैदान पर रॉकेट से हमला, बच्चों समेत 12 लोगों की मौत। इसराइल के प्रधानमंत्री ने हिजबुल्ला पर लगाया आरोप, कहा हमले को नहीं करेंगे नजरअंदाज। खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन निशानेबाजी में आज मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पेश करेंगी चुनौती। महिला तीरंदाजी टीम की क्वालिफिकेशन दौर से आगे बढ़कर फाइनल में जगह बनाने की होगी कोशिश। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज, कल खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को दी 43 रन से मात। आज 3 मैचों की सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप क्रिकेट का फाइनल आज, गत विजेता भारत की 8वीं बार खिताब जीतने की होगी कोशिश। मेजबान श्रीलंका पहली बार ट्रॉफी उठाने का करेगा प्रयास। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है दिल्ली में, वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का, और वहां की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन बैठक में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे और उसके बाद में आज ये दूसरे दिन की अहम बैठक है, भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की ये अहम बैठक, जिसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जब कल शामिल हुए थे तो उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस पर सीधे तौर पर जोर दिया था, और साथ ही सभी राज्यों से एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल लागू करने के लिए भी कहा था। उसके बाद में अब आज ही दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, जिसमें सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ रणनीतियां भी बनेंगी, साथ ही जो केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं उनको ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से लागू किया जाए, जिससे कि जो भी जिस ज़रूरतमंद तक ये योजनाएं पहुंचनी है कोई भी इन योजनाओं से वंचित ना रहे, इसको लेकर के खासतौर पर ध्यान रखते हुए आज ये अहम बैठक। तो भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की अहम बैठक, और इस अहम बैठक का आज दूसरा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है आज। पहले दिन की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस पर जोर दिया था पहले दिन, और उसके बाद में सभी राज्यों से एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल लागू करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा था।
और अब आज ये दूसरा दिन है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की, जहां पर प्रधानमंत्री इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं दिल्ली में बीते कल हुए एक हादसे को लेकर जिसने हर किसी को झंझोर दिया है। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक से पानी भर गया और पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत एनडीआरएफ के ने 3 छात्रों के शव वहां से बरामद किए, साथ ही 14 बच्चों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया। बेसमेंट में भरे पानी को पंपों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस पूरे हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। कोचिंग सेंटर में हुई दुर्घटना को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की कल मौत हो गई थी और उस पर छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो छात्र हैं उनमें गुस्सा है दिल्ली सरकार के खिलाफ। बीते कल जिस तरीके से हादसा सामने आया, बेसमेंट में अचानक से पानी भर गया जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। वहीं छात्रों ने ओल्ड राजेंद्र नगर की इस पूरी घटना की पूरी तरह से लापरवाही बताया है। छात्रों का कहना है कि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, साथ ही उन छात्रों ने यह भी कहा कि यहां सुरक्षा के कोई भी उपाय नहीं है। तो छात्रों का सीधे तौर पर यही कहना है कि जो भी दोषी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस हादसे में 3 छात्रों की कल मौत हो चुकी है। फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली के ओल्ड नगर राजेंद्र नगर इलाके में, जहां पे कल शाम एक बड़ी खबर आई। एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस वक्त हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो कि हमें बताएंगे कि क्या मंजर था वो। आपका नाम बताएं। सर अनुराग मेरा नाम है। सर अनुराग जी, कल क्या हुआ था? आप शाम को बारिश हुई, उस वक्त पे यहाँ पे क्या मंजर था, किस तरीके की सिचुएशन थी जिस जैसे बच्चे अंदर फंसे रह गए? सर कल आधा घंटे कुल बारिश हुई, वाटर लॉगिंग की परेशानी, यहाँ तक पानी भरना रोज की दिक्कत है। एमसीडी को सर 10 दिनों से कंप्लेंट हो रही थी सीवेज की, सीवेज यहाँ रोज ब्लॉक रहते हैं। 9 बजे के आसपास एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, 7 बजे कॉल होता है और सुबह 4 बजे तक एनडीआरएफ की टीम जो है 3 शवों को बरामद करती है, जो ऑफिशियल दिल्ली पुलिस का डाटा है। आप ये समझिए कि एक पुलिस ने बताया कि अंदर कम से कम 20 से 25 बच्चे थे और अचानक मतलब 20 से 25 मिनट की बारिश में धनाधन जो है 12 से 13 फीट तक पानी भर गया और कुछ बच्चों को उनने बचाने की कोशिश की बट वो नहीं बचा पाए। आतिशी घर पे बैठे बैठे ट्वीट कर रही हैं कि मजिस्ट्रेट जांच होगी, लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस कोचिंग का जो ऑनर है क्या उसको गिरफ्तार किया गया? इन नालों की प्रॉपर सफाई होती नहीं है, वो कागजों पे हो जाती है और वैसे होती नहीं है। इसके अंदर अगर नाला कोई पानी अंदर आया है, क्यों आया है उसके अंदर पानी में? नाला इसलिए आया कि सीवरेज तुम्हारा फुल हुआ पड़ा है, उन्होंने शीशे भी लगा रखे थे, शीशे भी टूट गए। हम लोगों की यही डिमांड है कि पहले तो ये जो इलीगल तरीके से जितनी बेसमेंट वगैरह में लाइब्रेरीज चल रही हैं इसे बंद किया जाए, उसके बाद एमसीडी अपना आगे ड्यूटी देखे कि यहाँ पे उसकी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये पानी आज से नहीं जमा हो रहा है, यहाँ पे बहुत पहले से पानी जमा हो रहा है और बहुत पहले से यहाँ पे लोग शिकायत भी करते आए हैं, क्योंकि पिछले साल जब बरसात हुई थी तो यहाँ पे कार वगैरह ऐसे बह रही थी, तो उस चीज को इन लोगों को देखना चाहिए। और एक साल में अभी भी ये लोग कुछ नहीं किए, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है हर तरफ। तो हम लोगों का बस यही है कि इस समय स्टूडेंट्स की बात सुने। जिम्मेवार तो सर एमसीडी है, जिन्होंने मतलब ये मैप पास करा होगा तो सेफ्टी मेजर्स नहीं उन्होंने देखे, नेग्लिजेंस है ये प्रॉपर उनके बिहाफ पे, मतलब इनमें से एमसीडी की और राउज आईएस की एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों की गलती है,
ये ज्वाइंट लाइबिलिटी होनी चाहिए इनके दोनों की। हमारी डिमांड है भी एक बार, हम जैसे रात से ही यहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किसी ने भी आके, कोई हायर ऑफिशियल आके, किसी ने भी हायर अथॉरिटी ने हमसे एक बार भी बात नहीं करी। डेथ टोल तक नहीं हमें कंफर्म करा गया, हमें एक्सपेक्टेशंस है कि डेथ टोल में भी इससे ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से ऑफिशियल बताया गया कि 3 लोगों को अभी ऑफिशियल यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दी गया है। 3 नहीं, यहाँ पे करीबन 20 से 25 लोग स्टूडेंट इसमें नीचे गए हुए हैं जिनका अभी तो कोई पता नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ उनके घर वालों को पता नहीं इन्फॉर्म किया या नहीं किया है। रावा AS का कोचिंग जो भी ऑफिशियल है, जो भी हेड है, उसने आके अभी तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया इसके रिगार्डिंग कि क्या करना है, हमें क्या स्टेप लेना है। MCD यहाँ पे कोई इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे आई है गवर्नमेंट, उसने भी अभी तक किसी बच्चे से आके किसी तरह से, यहाँ स्टूडेंट है जो कि अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनसे आके कोई बात नहीं की है। तो दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई इस दुर्घटना को लेकर सांसद बांसुरी स्वराज ने भी दिल्ली सरकार पर सीधा हमला बोला है, क्या कुछ कहना है उनका वो भी आपको सुनाते हैं। स्थानीय लोग बार बार एक सप्ताह से बोल रहे हैं कि नाले की सफाई करवा दीजिए। नाले की सफाई अगर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कराई होती तो आज ये बेसमेंट जलमग्न नहीं होता और बच्चों की जान नहीं जाती, और ये पहला वाक्या नहीं है। आप जानते हैं पिछले दिनों ही इसी तरह वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण पटेल नगर में एक एस्पिरेंट की डेथ हुई है। उससे पहले 2 बच्चे जो दूध लेने जा रहे थे वो भी जलमग्न होकर इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण उनकी डेथ हुई है। कब तक दिल्लीवासी अपने प्राण इस तरह खोते रहेंगे इनकी लापरवाही के कारण? दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपने लालच और पैसों की भूख में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का ये हाल किया है। आइए आपको सुनाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है, चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। UPSC की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के बारे निकल नहीं पाए, और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी आया 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है, दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट के रख दिया। तो ये तो रही भारतीय जनता पार्टी की बात। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल ने राजधानी दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के से 3 छात्रों की मौत पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजधानी में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से हुई मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? बता रहे हैं स्टूडेंट्स 10 दिन से इस बारे में ड्रेन साफ करने की डिमांड कर रहे थे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलीगल बेसमेंट बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल सकते हैं? एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डल जाते हैं? कैसे हो सकता है कि बिना पैसे खाए सड़क नालियों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं? स्पष्ट है कि कोई सेफ्टी रूल्स को पालन करने की जरूरत नहीं, पैसा दो काम हो जाता है, बस हर दिन AC रूम में बैठ के इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो, ग्राउंड पर कोई काम करने की को तैयार नहीं है। और इसी बीच चलिए आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर ये पूरी घटना हुई है, वहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इस वक्त पहुंची हुई है और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नहीं कोई असल में नहीं, हम नीचे तक घूम के आए हैं और बिल्डिंग बिल्कुल टोटली खाली है, बेसमेंट खाली है, बेसमेंट बिल्कुल खाली है। अभी कितना समय लग जाएगा इसको पूरा कंप्लीट करने में? नहीं कंप्लीट है, अब तो पानी निकल चुका है। हाँ पानी निकल चुका है, 2-4 इंच रहता है वो निकल जाएगा। तो ये हादसा सामने आया और ऐसा हादसा सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि अब इन 3 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? इसके अलावा अगर देखा जाए तो दिल्ली में करंट लगने से कई लोगों की मौत होती है। हम आपको बताते हैं कि अब तक कब कब करंट लगने से लोगों की मौत हुई है, उसका पूरा जो डाटा है वो इस वक्त हमारे पास में है। बिजली के खंभों पर लटके हुए जो तार होते हैं वो कहीं ना कहीं मुसीबत बनते हैं। और स्वाति मालीवाल इस वक्त घटनास्थल पर पहुंची है, क्या कुछ कह रही है आइए सुनते हैं।
तो इस आज जिस तरीके से ये पूरा मामला बीते कल सामने आया है, इसको लेकर के हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर इन तीनों छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH, MDH। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन, मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में लगातार इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं जिसमें बेवजह लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में करंट लगने से भी कई लोगों की मौत होती है। हम आपको बताते हैं कि अब तक कब कब करंट लगने से लोगों की मौत हुई है, उसका पूरा जो डाटा है वो इस वक्त हमारे पास में, और वो उससे आपको रूबरू कराते हैं। बिजली के खंभों पर जो तार लटके हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं इन दिनों मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में ये जो हादसे सामने आ रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? क्यों राजधानी में लोगों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है? तो कहीं ना कहीं लापरवाही इस दौरान सामने आ रही है। बिजली के खंभों पर लटके हुए तारों से भी कई लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बारिश के बाद जलभराव होता है और जलभराव की वजह से हादसे सामने आते हैं, लेकिन उसको लेकर के कोई भी जवाबदेही नहीं बनती। 13 जुलाई को भजनपुरा में एक महिला की मौत हुई करंट लगने से। उसके बाद 22 जुलाई को पटेल नगर में UPSC की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत हुई करंट लगने की वजह से। 25 जुलाई को दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक आदमी की मौत हो गई। तो बिजली विभाग की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर लगातार हो रही इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली वासियों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है? हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पराक्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही सुशील भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करते हैं। पराक्रम, सीधा सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे। इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं हम देख पा रहे हैं पीछे तस्वीरें भी, लोग भी काफ़ी वहां पर खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है और गुस्सा जायज़ भी है। बिल्कुल कृतिका, ये गुस्सा जायज़ भी है। सीधे तौर पर यदि हम कहें कि ये जो राव इंस्टीट्यूट सर्कल पर ये जो हादसा हुआ है बीती रात, अब हम ये कहें कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है, क्योंकि बीते 10 दिनों से यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही थी और इसकी शिकायत छात्र लगातार कर रहे थे, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं की गई। पूरे तरीके से जो भ्रष्टाचार यहाँ पर जो सामने आ रहा है उसमें इल्लीगल बेसमेंट का निर्माण किया गया और उस बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी, उस लाइब्रेरी में जो है छात्र वहां पर थे और पानी भर गया। और अब इस वक्त आपको बता दूं, ताजा अपडेट, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल यहां पर पहुंची हैं और यहां पर जो तमाम सारे छात्र हैं वो नारे लगा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल वापस जाओ, यानी कि छात्रों को भरोसा नहीं है सीधे तौर पर दिल्ली सरकार से, क्योंकि ये जो लापरवाही है ये उस लापरवाही का नतीजा है कि तीन छात्राओं ने अपनी जिंदगी गंवा दी इस पूरे घटनाक्रम में। और अब चूंकि स्वाति मालीवाल यहाँ पर बातचीत करने के लिए आई है, हमने देखा कि इस पूरे मसले पर सीधे तौर पर अब सियासत गरमा चुकी है और हमने देखा कि जो राजनीतिक बयान आए उसमें कल यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली से जो सांसद हैं बासुरी स्वराज वो यहाँ पर मौजूद थे। सीधे तौर पर इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जो जल मंत्री आतिशी उनसे इस्तीफा मांगा है और साथ ही साथ यहाँ के जो विधायक हैं बृजेश पाठक उनसे इस्तीफा मांगा है, क्योंकि जो नालों की सफाई कराई जानी चाहिए थी वो नालों की सफाई नहीं की गई। आधे घंटे की, महज आधे घंटे की बारिश में बेसमेंट में 7 फीट तक पानी भर गया और उसमें तीन हादसों ने जो अपनी जान गंवाई है, इस हत्या की जो जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जनता भी ये जानना चाहती है, छात्र भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। हर साल ये स्थिति बनती है, लेकिन आपको बता दूं कृतिका के बीते 5 दिनों में लगभग 5 मौतें हो चुकी है। पटेल नगर में 3 छात्रों की करंट लगने से मौत हुई, कल 2 छात्राएं यहां पर जान गंवा चुकी है। तो आप ये
अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की जनता की जान की कीमत आखिर क्या है, और जो जिम्मेदार हैं वो अपने घरों पर बैठकर ट्वीट करते हैं। कृतिका, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त सुशील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पर अब राजनीति भी होना शुरू हो चुकी है। जबकि अगर देखा जाए तो मानसून तो हर साल ही आता है, समय रहते ही इसके लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल, अभी हमने यहाँ पर लोकल लोगों से बात की, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये पहली बार का नहीं है। हर मानसून में थोड़ी सी बारिश हो, आधे घंटे 20 मिनट की बारिश में यहाँ लगभग 4 से 5 फीट का जल भराव होता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ से महज 50 मीटर दूरी पर एक नाला है। ये कल भी ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बारिश होने के बाद इस नाले से जो है पानी निकलना शुरू हुआ, सीवर का पानी निकलना शुरू हुआ, जो कि सड़क भरने के बाद ये पानी जो है ये इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिल होना शुरू हुआ, और अचानक से जो यहाँ पर एक ग्लास डोर जो कहा जा रहा है उसके ब्रेक होने के बाद जो है पानी अचानक एक अंदर गया और छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला। और इतना एक बात यहाँ पर छात्रों ने ये भी कहा, हर छात्र का यही कहना है कि यहाँ पर तमाम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि इलीगल तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पर निकासी, एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, कोई भी सिक्योरिटी नॉर्म को फॉलो नहीं किया जा रहा, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे अग्नि से जुड़ी जो चीजें हैं, कोई भी जो है यहाँ पे कोचिंग सेंटर इन चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहा। इसी का जो है खामियाजा इन छात्रों को भुगतना पड़ा है। और आपको बता दें कि जो 3 छात्र यहाँ पर जो कल इस हादसे का शिकार हुए हैं, ये एक तेलंगाना और केरल और यूपी के रहने वाले, इनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। फिलहाल ये जो इनकी डेड बॉडी है वो RML अस्पताल में जो है रखी हुई है। जी ठीक है सुशील, आपके पास में वापस आएंगे। तो जिस तरीके से ये हादसा सामने आया, कहीं ना कहीं तमाम सवाल भी खड़े कर रहा है। वैसे में जो छात्र जो मौत के शिकार हो गए, आखिर उनकी क्या गलती थी? वो तो सिर्फ अपनी तैयारी कर रहे थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और माँ बाप से अलग रह रहे हैं, परिवार से अलग रह रहे हैं। उन्हें क्या चाहिए? एक कमरा चाहिए, एक कोचिंग सेंटर चाहिए, और अच्छा खाना चाहिए जिससे कि वो एकाग्रता के साथ अपनी तैयारी कर सके। लेकिन फिलहाल वो 3 बच्चे जो हैं हादसे का शिकार हो गए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे हैं कि बीते रात कल जिस तरीके से हादसा सामने आया, और इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। अचानक से एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ में हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद जी, अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला अब सामने आने के बाद में राजनीति भी इस पर हो रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये जो तमाम कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं वो नियमों के मुताबिक नहीं है? और अगर नियमों के मुताबिक नहीं है तो क्यों वो चल रहे हैं? क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? क्यों इस तरीके के हादसों का इंतजार किया जाता है प्रशासन की तरफ से? कृतिका, जैसे आप सवाल पूछ रही थी कि इस मौत के जिम्मेदार कौन, तो हम सीधे सीधे ये कहेंगे कि ये सिस्टम इस मौत के जिम्मेदार है। ये सिस्टम, आम आदमी पार्टी की सिस्टम जो बनाया है वो सिस्टम इसके जिम्मेदार है। ये सीधे बोलना पड़ेगा आज कि जो सरकार के बात कह रहे थे कि ये जेल से सरकार चलेगी, CM केजरीवाल जेल में है, और उसके बाद की स्थिति आप दिल्ली में देखिए कि आतिशी सिर्फ ट्वीट करती हैं जो जल विकास मंत्री हैं यहाँ, और वो ट्वीट करके सिर्फ कमीशन बैठा रही हैं। जब आप कह रहे थे कि बच्चे को करंट लगने से मौत हुई थी, तब भी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, और आज 3 जो बच्चे मासूम, जो हमारे बच्चे हैं जो बड़े सपने देखने के लिए राजधानी दिल्ली आए थे, उनकी जो ये दर्दनाक मौत हुई है उस पर भी आतिशी ने सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को लिखा है।
फिर अगर चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख के, चीफ सेक्रेटरी को मैसेज करके, चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर देके, अगर ये सिस्टम, दिल्ली का सिस्टम अपने को इस जिम्मेदारी से भागना चाहती है, तो आप बताइए फिर इस सिस्टम के लिए गुनाहगार कौन हो सकता है। सवाल ये है कि ये आम आदमी की सरकार है और आम आदमी के बच्चों के सपने यहां दिल्ली में टूट रहे हैं। बिल्कुल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच जो आईएएस के एस्पिरेंट बच्चे थे, जो अपने गांव में अपने माँ बाप का उस खून पसीने की कमाई को लेके यहाँ लाखों रुपए कोचिंग संस्थानों में भरते हैं, लाखों रुपए वो जमीन बेच के यहाँ से अपने गांव से लाते हैं और यहाँ अपने सपने, बड़े सपने देखने की कोशिश करते हैं, क्या उनके उन बच्चों को सपने देखने की सजा ये आम आदमी पार्टी दे रही है? क्या आम आदमी इस देश में, आम आदमी के बच्चे बड़े सपने ना देखें? दिल्ली शहर में पांच पांच आईएएस एस्पिरेंट्स की मौत होना ये अपने आप में बताता है कि ये सिस्टम कितनी निकम्मी है, ये सिस्टम हत्यारी है। ये जो धरने पे बैठे हुए बच्चे हैं, आज अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सामने में नहीं आना देना चाहती हैं, तो वो सीधे मांग कर रहे हैं कि ये सिस्टम को सामने में लाओ जी। और जिम्मेदारी फिक्स करो। ये जिम्मेदारी इससे, सियासत से और ट्वीट से नहीं चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से ट्वीट कर रहे हैं, मंत्री ट्वीट घर से ट्वीट कर रही हैं, और पूरे गठबंधन के लोग सिर्फ इस मौके पे तलाश में हैं कि ये राजनीतिक जो गुना भाग होगा, ये लाभ और हानि है, वो किसके पक्ष में जाता है। एक भी शब्द और एक भी आवाज नहीं आ रही है। तीन बच्चों की जान बेसमेंट में चली जाती है, जो बेसमेंट में पढ़ने गए बिल्कुल थे, उस लाइब्रेरी में गए थे, और ये आप देखिए कि ये दर्दनाक मौत के लिए आज कोई बाहर नहीं निकल रहा है। ये शर्म की बात है, और मैं आपको सीधे सीधे कह सकता हूं कि सिस्टम ने इन बच्चों को, पांच पांच आईएएस एस्पिरेंट्स के बच्चों को मारा है। ये जिम्मेदारी उनकी बनती है और ये जिम्मेदारी उनकी लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती भी है और इस जिम्मेदारी को उठाना भी पड़ेगा और बखूबी निभाना भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो सभी बच्चों में इस वक्त काफी आक्रोश है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी उबाल है लोगों का दिल्ली सरकार के खिलाफ। आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत का यह पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद में अब राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। तीनों छात्रों के फिलहाल शवों को बरामद कर लिया गया है और तीनों छात्रों के जो परिवारजन है उनको भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। और बीते कल जब यह हादसा हुआ था तो उस दौरान एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची थी और 14 बच्चों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया था, लेकिन इस बीच तीन छात्रों ने पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए दो लोगों को हिरासत में भी लिया है और दोनों लोगों से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। तो और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली सरकार पर सीधा हमला बोला है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोचिंग संस्थान जो इतने सारे चल रहे हैं वो नियमों के मुताबिक नहीं है। कई सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहां बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है जो कि बिल्कुल नियमों के उलट हैं। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि इन तीनों छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो घटना के, हालांकि अगर देखा जाए तो घटना के मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश इस वक्त दे दिए गए हैं और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। और स्वाति मालीवाल क्या कुछ कह रही हैं वो सुन लेते हैं। कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, जरूरी देनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और
और एमसीडी के लोग हैं ये हम देखते हैं आए दिन, हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेयर ने तो यहाँ तक बोला था कि मानसून आने वाला है, इंजॉय कीजिए, ये है इंजॉयमेंट। आज बच्चों में इतना गुस्सा है, इतना रोष है, वो रात से यहाँ बैठे हैं और अभी तक उनसे मिलने कोई नहीं आया। उनके सवालों का जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार और एमसीडी को जवाबदेही तय करनी ही होगी, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चे ये बता रहे हैं कि 10 से 12 दिन पहले काउंसिलर को बार बार बोला गया कि ड्रेनेज खराब है और फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जो बच्चे डूब के मरे हैं उनकी पीड़ा हम सोच भी नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो बच्चों का आज गुस्सा फूट के आ रहा है ये सड़कों पे निकल कर आएगा और ये कहीं से भी किसी के लिए भी सही नहीं होगा। मेरे को ये बिल्कुल भी काफी नहीं लग रहा। मैं जानना चाहती हूँ कि एमसीडी के मेयर, दिल्ली सरकार के मंत्री जो रोज एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आज यहाँ क्यों नहीं है? इन बच्चों की जवाबदेही कौन, इनको जवाब कौन देगा? सरकार की जवाबदेही कौन सेटअप करेगा? मैं ये सवाल संसद में उठाऊंगी। मैं बच्चों से मिली हूँ, काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि क्या क्या हुआ है, उन्होंने मुझे बताया है उनकी क्या डिमांड है, वो सारी डिमांड मैं संसद में रखूंगी। हमेशा बनी रहेगी चाहे मुखर्जी नगर हो चाहे राजेंद्र नगर। ये तरीके से एक मर्डर है, मैं इसे मर्डर मानती हूँ, मैं इसे कहीं लापरवाही नहीं मानती, कहीं से भी डिजास्टर नहीं मानती। कौन जिम्मेदार है इस मर्डर को? तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो स्वाति मालीवाल को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि ये कोई हादसा नहीं है, ये सीधे तौर पर मर्डर है और इस बात को वो राज्यसभा में भी उठाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी लगातार वही बरकरार है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इस तरीके के हादसे जब सामने आते हैं तो कमियां भी नजर आती हैं, लेकिन उससे पहले क्या कमियों पर आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, पराक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही विनोद मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आप पराक्रम, इस वक्त आप खुद वहां पर मौजूद है जहां पर बच्चे लगातार रात से बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, लेकिन बीती रात से लेकर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति उनके पास मुलाकात करने तक के लिए नहीं पहुंचा है। बिल्कुल कृतिका, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जवाबदेही है, वो ही यहाँ पर नहीं है। अभी यहाँ पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आई थी और सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल ने ये कहा है कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है। और स्वाति मालीवाल ने भी ये सवाल उठाया है कि जो जिम्मेदार हैं वो अपने घरों पर बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। सीधे तौर पर मंत्री आतिशी पर उनका ये हमला था, दिल्ली सरकार पर उन्होंने हमला करते हुए ये कहा कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो विधायक हैं, वो कहाँ हैं, जिनको यहाँ पर होना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने यह कहा है कि इस मुद्दे को मैं संसद में उठाऊंगी, लेकिन सवाल यही उठता है, यहाँ पर छात्रों ने नाराज होते हुए स्वाति मालीवाल गो बैक के नारे लगाए, स्वाति मालीवाल वापस जाओ के नारे लगाए, क्योंकि ये जो उनका आक्रोश है वो सीधे तौर पर एक वास्तविक आक्रोश है कृतिका, क्योंकि जब कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई और अब जब तीन छात्राओं की यहाँ पर मौत हो चुकी है लापरवाही की वजह से, भ्रष्टाचार की चरम की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? अब आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कृतिका कि आज जिन तीन छात्राओं के शव उनके परिजनों को सौंपे गए हैं उनके परिवार की स्थिति इस वक्त क्या होगी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हादसे तकरीबन हर साल बारिश के मौसम में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि जब नालों की सफाई कराई जानी चाहिए तब दिल्ली सरकार के मंत्री और दिल्ली सरकार के विधायक कहाँ होते हैं, जिनकी ये जवाबदेही और जिनकी ये जिम्मेदारी है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल पराक्रम, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बनती ही है, लेकिन साथ ही अब देखिए पूरी राजनीति भी इस मामले पर होगी और अंत में अगर देखा है तो कंपनसेशन दे दिया जाएगा परिवार वालों को और सबको शांत करा दिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई कंपनसेशन काफी होगा? जिन परिवार ने अपने बच्चों को खोया है, आईएएस बनने की उम्मीद थी उनको कि हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वहां पर जाकर के परिवार से अलग रह रहे हैं, इतने सारे सपने संजो करके ये बच्चे आए थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है और अब कंपनसेशन दे दिया जाएगा लेकिन वो जिंदगियां अब कभी वापस नहीं आएंगी।
सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, अगर देखा जाए तो हाँ, जिस जगह पर ये हादसा हो उसके आसपास और भी कई सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, क्या वहां पर भी इसी तरीके से पानी भरा था या सिर्फ एक यही कोचिंग सेंटर था जहां पर पानी भरा है और ये हादसा हुआ? बाकी पूरे इलाके की क्या कुछ दशा देखने को मिल रही है फिलहाल? सुशील जी, कृतिका, ये इस रोड पे अगर हम बात करें तो तमाम दोनों साइड में जो है सैकड़ों कोचिंग संस्थान है, प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, जहां पर तमाम देश भर से छात्र यहां पर अपने करियर को बनाने के लिए एक सिविल सर्वेंट बनने के उद्देश्य से यहां पहुंचते हैं। और जो छात्रों का कहना है कि हर मानसून ही क्यों, हर सीजन में जब भी यहां बारिश होती है तो लगभग 4 से 5 फीट का जल भराव यहां पर देखने को मिलता है। आपको बताना चाहेंगे कि कल शाम जब यह हादसा हुआ तो थोड़ी देर की बारिश के बाद जो है इस सड़क पर 5 से 6 फीट लोग बता रहे हैं कि पानी भरा हुआ था, कारें तैर रही थी। दूसरी बात यह है कि जैसे ही हादसा हुआ एनडीआरएफ की टीम आई, अभी जब हम सुबह यहां पर पहुंचे थे लगभग 8-8:30 बजे तक यहां से पानी निकासी का काम चल रहा था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है, कितनी भयावह स्थिति है, जो घंटों पानी निकालने के बाद यहां पर स्थिति क्लियर नहीं हो पाई थी। जी, वहीं छात्र आक्रोशित है। पास में ही हालांकि पूरे एरिया को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, लोगों को, छात्रों को आने नहीं दिया जा रहा है। पास में छात्र जो है धरने पर बैठे हुए हैं, उनका एक ही डिमांड है कि कब तक इन जो है देश भर से दिल्ली पहुंचे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तमाम समय समय पर पूरी दिल्ली से ऐसी खबरें आती हैं कि कभी करंट लगने से, चाहे कभी आग लगने से छात्र हादसे का शिकार होते हैं, लेकिन इन तमाम जो वजह हैं इन पर काम नहीं किया जाता, सिर्फ एक जो है राजनीति होती है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। छात्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि अभी तक कोई भी यहां पर जो है एक अधिकारी या यूं कहें कि जिम्मेदार इंसान नहीं आए इन छात्रों से मिलने, उनकी मांगों को सुनने के लिए। तो आक्रोश यहां पर बड़ी मात्रा में, छात्र हालांकि सीधे तौर पर मीडिया से बात करने से बच रहे हैं, उनका यही कहना कि हम इस मामले को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। उनकी एक डिमांड है कि इन छात्रों का जो जहां पर ये कोचिंग संस्थान में पढ़ने आ रहे हैं, वो कोचिंग संस्थान जो सुरक्षा के मानदंड है उनका जो है पालन करें, जो सेफ्टी के जो है नॉर्म्स है उनका पालन करें। जी रितिका जी, बिल्कुल सुशील, कहीं ना कहीं सवाल यही है कि क्या जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं इस वक्त सिर्फ अकेले दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश भर में, क्या वो नियमों के मुताबिक चल रहे हैं? आपके पास वापस आएंगे इस वक्त विनोद मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां पर सिर्फ नाम के लिए इमरजेंसी एग्जिट होते हैं कायदे में, क्योंकि आग जैसी घटनाएं कभी भी सामने आ सकती हैं, कोई भी इमरजेंसी अगर होती है तो ऐसे में बच्चे कैसे बाहर निकले इसका ध्यान रखना चाहिए। जो भी नियम होते हैं कोचिंग सेंटर्स को चलाने के लिए उनको पूरी तरीके से पूरा कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन सारी चीजों पर अगर हम देखें तो पैसा का दबाव डाल करके ये सब बिना नियमों के चल रहे हैं। और सिर्फ ये बात, हादसा दिल्ली में हुआ है लेकिन इस तरीके की चीजें पूरे देश भर में हम कई बार देख चुके हैं, कुछ दिनों हमने कोटा की भी तस्वीरें देखी थी। तो ये मैं यही कह रहा था कि हम लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं जो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली शहर में, राजधानी दिल्ली में इतने एक आईएएस एस्पिरेंट्स के जो बच्चे सब हैं वो किस दर्दनाक मौतें उनकी हो रही है। और ये संवेदनशीलता की बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये सवाल इसका नहीं है कि ये क्यों, इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी और नहीं होगी, ये सवाल इसका है कि दिल्ली में कोई बड़ी आपदा नहीं आई थी, ये कोई घंटे और 24 घंटे के मूसलाधार बारिश नहीं हो रही थी जी, बिल्कुल 10 मिनट के बारिश में एक बेसमेंट में पानी घुसता है, नाले का पानी जो नाले कई दिन से जाम पड़े हुए थे, और हमारे तीन मासूम छात्र जो देश के एक होनहार युवक थे उनकी मौतें हो जाती है, और ये सिस्टम ट्विटर पे जांच कमीशन और जांच की रिपोर्ट मांगता है चीफ सेक्रेटरी से, ये शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि हम लोग कितने असंवेदनशील हो गए हैं, इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि हर घटनाओं में लोग अपनी अपनी राजनीति को, नफे नुकसान को ढूंढते हैं, लेकिन वो ये चीजें एक हफ्ते के बाद आप देखते देखते आप देखिए कि नकार खाने में तूती की आवाज जैसी हो जाएगी, कहीं कोई फिर इसका नाम नहीं लेने वाला होगा। ये आक्रोशित छात्र जो भी है वो अपने गांव के किसान के बच्चे हैं, वो अपने गांव के गरीब परिवार के बच्चे हैं जो दिल्ली में सपने लेके आए हैं, एक बड़े सपने देखने का दुस्साहस किया है,
और इनके सपने, आप सोचिए उस माँ बाप को जिसने अपने बच्चे को दिल्ली में भेजा है एक बड़े सपने को हासिल करने के लिए, उनके सपने को ये आम आदमी पार्टी अपनी सियासत में रौंद रही है। ये एमसीडी का चुनाव जीतते हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टी पे कि ये कट्टर ईमानदार पार्टी अपने को बताते हैं और वो एमसीडी चुनाव जीत के आते हैं। ये हो क्या रहा है दिल्ली में? दो महीने पहले आप एक हॉस्पिटल में देखिए नाबालिग 2500 बच्चों की मौत हो गई आग लगने से। किसने उसको परमिशन दिया? किसने इस बेसमेंट को लगाने के लिए राव आई इसको परमिशन दिया? ये सारे चीज है, जबकि ये जो तू चोर या तू चोर का ये कंपटीशन होता रहेगा तब इस देश में कुछ नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि राज्यसभा में पिछले दिनों से क्या एजुकेशन मॉडल पे यहां आम आदमी पार्टी के सांसद गरज रहे हैं, और यही एजुकेशन मॉडल है जिसमें उसके बच्चे, गांव के बच्चे, गरीब के बच्चे, तमिलनाडु के बच्चे, केरल के बच्चे, बिहार के बच्चे, यूपी के, गाजीपुर के बच्चे, एक करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है जो लाइब्रेरी पढ़ने जाता है हल्की बारिश के बीच में। यही अरविंद केजरीवाल है जो तार काट के बिजली के पोल पे चढ़ के तार काट के चीफ मिनिस्टर बने थे, और यही केजरीवाल है जो जेल में बंद है, उनके सारे नंगी तार दिल्ली में घूम रही है और बच्चे की जान ले रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मौत का जिम्मेदार सिस्टम है जो धीरे धीरे समाज को खत्म कर रहा है। समाज को इसलिए खत्म कर रहा है कि समाज की इतनी असंवेदनशीलता हो गई है कि समाज छोटे छोटे स्वार्थ में, छोटे छोटे लोभ में, छोटे छोटे फ्रीबीज में इन जैसे बेशर्म सियासत को जगह दे रही है और इनको अकाउंटेबल नहीं बना रही है। आज आप ये देखिए कि पूरे दिल्ली में जिस तरह का आक्रोश होना चाहिए, ये 10-20 बच्चे क्यों, यहाँ उन सारे लोगों के उनके साथ में होने चाहिए। वो बच्चे हमारे थे, वो बच्चे देश की पूंजी थे, वो बच्चे आज देश का भविष्य था जिसको एक गंदी सियासत ने उनकी जान ले ली है। ये सवाल उठना चाहिए सिस्टम पर, उस बच्चे का हत्यारा कौन है? ये ट्वीट करने वाले नेता हैं जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स में दिन भर सियासत करते हैं जबकि जमीन पर उनकी कोई मौजूदगी नहीं होती है। वो चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे, वो सेक्रेटरी को लिखेंगे, वो LG को लिखेंगे और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखेंगे लेकिन जमीन पर कभी नहीं दिखेंगे। इस सियासत को, इस सिस्टम को जिम्मेदार बनाना होगा, इस सिस्टम को अकाउंटेबल करना होगा, तब जाके आप कह सकते हैं कि इनके साथ न्याय होगा। आज ह्यूमन राइट कमीशन कहां है? ये ह्यूमन राइट कमीशन जो बड़ी बड़ी बातें करती है, क्या ये गांव के गरीब के बच्चे जो अपने सपने लेके आए हैं और उनकी ये दर्दनाक मौतें हुई है, क्या ह्यूमन राइट को इसमें सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या ये देश के एजेंसियों को सवाल नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल, क्यों लोग हैं जो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, सिर्फ फैला रहे हैं और वो जानते हैं कि ये जो आवाज है लोगों की आवाज है, हमारे जो सारे रिपोर्टर हैं, पराक्रम है, आप ओझा है, उनकी आवाज देखिए, ये दर्द है उनके दिल का, जो हर रिपोर्टर की आवाज वहां पे जो खड़े हैं उसने उसको महसूस किया है। उन परिवारों में जाके देखिए जिनके घर में आज मौतें हुई है। इतनी बेशर्म सियासत, इतना बेशर्म सिस्टम, इसको अकाउंटेबल बनाना होगा। बिल्कुल विनोद मिश्रा जी, उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी ये तो वही परिवार ही समझ सकता है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। लेकिन अगर इस पर जल्दी ही संज्ञान नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं आगे और भी हादसे हमें देखने को मिल सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, साथ ही पराक्रम और सुशील आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, वापस रुक करेंगे इस चर्चा का, एक छोटे से ब्रेक। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MBH का चंकी चाट मसाला डाले, MBH का चंकी चाट मसाला। MBH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो सीधे तौर पर बीती रात जिस तरीके से एक हादसा सामने आया दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर एक कोचिंग सेंटर है और कोचिंग सेंटर में बच्चे नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे और इसी दौरान अचानक से वहां पर पानी इतनी तेज़ बहाव से आता है कि वो बच्चे वहां से नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से 3 छात्रों की मौत हो जाती है।
दिल्ली में छात्रों की इस मौत पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये हादसा नहीं आम आदमी पार्टी द्वारा की गई हत्या है, आपराधिक लापरवाही है। साथियों ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश की राष्ट्रीय राजधानी में तीन भविष्य उजाड़ दिए गए, जो भविष्य भारत की सेवा करते तीन यूपीएससी एस्पिरेंट्स आज जो हमारे बीच नहीं रहे, इनकी हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? ये घटना नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं, क्योंकि वहां पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी, किसकी अनदेखी थी, क्या सिविल अथॉरिटीज की अनदेखी नहीं हुई? भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार के अवैध कृत्य और एक्टिविटीज चल रही है, और इसका खामियाजा दिल्ली वासियों को और जो हमारे बच्चे हैं, भविष्य है, अलग अलग हिस्सों से आए हैं, उनको भरना पड़ रहा है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, स्थानीय विधायक की जवाबदेही होनी चाहिए, और आतिशी जी को भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोषारोपण नहीं, अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बीती रात से लेकर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति जो छात्र वहां पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से बच्चों में भी काफी आक्रोश है। इसी पर हमारे साथ में तमाम हमारे साथ जो सहयोगी हैं वो भी इस वक्त बने हुए हैं, सुशील हमारे साथ बने हुए, साथ ही पराक्रम हमारे साथ बने हुए और हमारे सहयोगी विनोद मिश्र जी भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। पराक्रम, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, पराक्रम का भी फोन कट गया, हम एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील, क्योंकि आप खुद इस वक्त उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आगे खड़े हुए हैं जहां पर बीती रात ये हादसा हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर जो बेसमेंट में पानी था वो अब पूरा साफ कर दिया गया है या नहीं अभी तक? जी बिल्कुल कृतिका, अभी जब हम यहाँ पे सुबह से हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, लगभग 8:30 से 9 बजे के करीब तक यहाँ से पानी निकला है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है, जो टैंकर है, ये सब निकले हैं, और कुछ अधिकारी जो है अभी फिलहाल अभी अंदर है जो की जांच कर रहे हैं। इस पर बार बार जो भी यहाँ पे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उनसे बात करने पे बात यही आ रही है कि जांच चल रही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं अभी सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया है जो कि कोई सटीक जानकारी दे पाए। अगर पानी की हम बात करें तो अब हम अभी आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे नीचे कि अभी भी जो है यहाँ पर पानी जमा है, ठीक है। लगभग यहाँ पे 5 से 7 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रात भर जो है पानी निकालते रही है, मोटर का उपयोग किया गया, तकनीक का जो है उपयोग करके जल्दी से जल्दी जो है पानी निकालने की कोशिश की जाती रही। हालांकि मामला इतना बड़ा था, पानी जल भराव इतना ज्यादा था कि समय लगा। ऐसे में आप ये एक गौर करने वाली बात जरूर है कि आप समझ सकते हैं कि जब इतना पानी जो है एक ऐसा क्लासरूम, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां पर 50 से 60 स्टूडेंट जो है बताए जाने की अंदर थे, एकाएक जब अंदर जाता है तो उनको निकलने का मौका नहीं मिला। कुछ देर तक तो बच्चे जो है स्टूल पे चाहे बेंचेस पे खड़े होकर खुद को बचाने का प्रयास करते रहे, हालांकि बचा नहीं पाए। कुछ जो इनके साथी हैं उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हादसा इतना भयावह था, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। शाम का समय होता है जब छात्र फ्री होकर के अपना समय पढ़ाई में देना चाहते हैं एक शांत मन के साथ। हर बच्चा वहां पे, हर जो छात्र था, स्टूडेंट था, वो पढ़ाई में लगा हुआ था, अकायक जब ये हादसा हुआ तो उनको संभलने का मौका नहीं मिला। दूसरी बात एक और ये है कि कल यहां पर भीड़ इसलिए भी थी क्योंकि कुछ देर उस समय बारिश हो रही थी और छात्र जो जिनका समय पूरा हो चुका था वो घर निकल नहीं पाए थे, अपने जो हॉस्टल्स में निकल नहीं पाए थे, वो वेट कर रहे थे कि बारिश कम हो, बारिश रुके तो वो यहां से निकले। हालांकि इसी दरमियान जो है बाहर जल भराव था भरपूर मात्रा में और वो लोग वेट कर रहे थे कि हर बार की तरह भी हो सकता है कुछ देर में पानी का जो है स्तर कम हो और वो अपने जो है गंतव्य की तरफ रवाना हो। लेकिन इस बीच ये हादसा हुआ और इतनी जल्दीबाजी में इतनी तेजी से पानी अंदर भरा कि वो बच्चे बाहर निकल नहीं पाए और लगभग 20 से 25 छात्र अंदर बचे। बाद में जब एनडीआरएफ की टीम आई तो जब इन बच्चों को जो है रेस्क्यू किया गया,
15 से 20 बच्चे बाहर आए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बच्चे अनकॉन्शियस हालत में थे जब उनको बाहर निकाला गया, तो ये पता नहीं चल रहा था कि वो डेड बॉडी है या घायल बच्चे हैं। उनको जो है आनंद फानन में जो है आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। वहां से अब खबर आ रही है कि जिसमें से तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है, जिस तरीके से देश भर से छात्र दिल्ली आते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, एक सपना लिए हुए छोटे छोटे छात्र, जो कि समझिए छोटे छात्रों से टायर 3 शहर के छात्र गाँव से खेत खलिहान बेच करके, कुछ पैसे इकट्ठा करके, तमाम ये बड़ी बड़ी फीस दे करके, जब बड़े शहरों में बड़े सपने लिए जब पहुंचते हैं, इस तरह के लापरवाही के हादसे का शिकार होने के बाद समझिए उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, इन छात्रों पे जो इनके साथी हैं इन पे क्या बीत रही, कितना डिमोलाइज करने वाला मामला है ये। रीतिका तो साफ पूरा मामला जो है लापरवाही का, चाहे बेहद ही मुश्किल है जब अपने परिवार का कोई सदस्य, और खासतौर पर जब अपना ही बच्चा इस दुनिया को अचानक से छोड़ देता है, जिसे जो तैयारी कर रहा है दिल्ली में कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, परिवार वाले पूरा सपोर्ट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की तरफ से ये सपोर्ट नहीं मिल पाता और बच्चे हादसे का शिकार हो जाते हैं। आपके पास वापस आएंगे, पराक्रम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पराक्रम, आप इस वक्त उस जगह मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो जो स्थानीय विधायक है या दिल्ली सरकार का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचता है जो इन छात्रों से बात कर सके, इनकी समस्या को सुन सके, आखिर इनकी क्या मांगे हैं, और क्योंकि आपने भी खुद इनसे बात की होगी तो क्या कुछ छात्रों का कहना है। पराक्रम, कृतिका, इसे हम विडंबना ही कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार ही नदारद हैं। पूरी रात ये छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे रहे और अभी तक जो दिल्ली सरकार का ना तो कोई जल मंत्री जो जिम्मेदार है आतिशी उनको यहाँ पर होना चाहिए था इस वक्त छात्रों के साथ, यहाँ के जो विधायक है ब्रजेश पाठक उन्हें यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन इन छात्रों की सुनवाई के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। और ये छात्र सीधे तौर पर ये नारेबाजी कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, जिम्मेदारों को सीधे तौर पर सजा दी जाए, ये इनकी मांगे हैं। और इनके छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल। और इसी तौर पर हमने देखा कि अभी दिल्ली पुलिस से DSP यहाँ पर आए, उन्होंने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इन छात्रों की जो वास्तविक मांग है, जो जायज मांग है, वो यही है कि जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा की जाए। और सीधे तौर पर इन्होंने यही कहा था कि जब हमने शिकायत की और शिकायत के बावजूद 10 दिन तक उस पर काम नहीं हुआ, और आज जब 3 जिंदगियां काल के गाल में समा गई है, उसके बाद ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। सीधे तौर पर छात्रों का कहना है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, कृतिका। और छात्रों का ये भी कहना है कि हम किसी भी तरह की सियासत से बचना चाहते हैं, हमें यहाँ पर हमारे माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, जीवन बनाने के लिए भेजा था, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर सके, एक जिम्मेदार इंसान बन सके, एक लायक इंसान बन सके। बिल्कुल। लेकिन वो जो मिट्टी का कच्चा घड़ा था वो जब मूर्त रूप लेता उसके पहले ही वो ढह गया, और ये सीधे तौर पर सिस्टम की, प्रशासन की, दिल्ली सरकार की लापरवाही का ये नतीजा है कि इन छात्रों को इस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अभी भी जो जिम्मेदार हैं वो इनकी बात करने के लिए, इनकी सुनवाई करने के लिए इनके पास नहीं पहुंचे हैं। कृतिका, ठीक है, पराक्रम आपके पास वापस आएंगे। विनोद मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद जी, अगर देखा जाए तो इस हादसे के बाद में जरूर आंखें खुल जाती कहीं ना कहीं प्रशासन की, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि दिल्ली में जो प्रशासन है उसकी आंखें खुलेंगी इस हादसे के बाद में, और जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो खास तौर पर नियमों के मुताबिक नहीं है उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की उम्मीद आपको नजर आती है दिल्ली में? कृतिका, जितना मेरा अनुभव है उससे तो मैं आपको कह सकता हूं कि इस दौर की जो सियासत है उसमें इतनी बेशर्म सियासत हो गई है कि उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये MCD के चुनाव अभी हुए थे, जो मेयर हैं तत्काल भी के, उनका आप देखिएगा पिछले 4 महीने पहले का ट्वीट, बरसात के आने से पहले तो लोगों को बता रही थी कि इस बार दिल्ली के बारिश में लोग इंजॉय करेंगे। आपने लोगों का इंजॉयमेंट देख लिया, 5-10 मिनट की बारिश में हमारे 3 होनहार जो हमारे युवक हैं, युवतियां हैं, उनकी जाने चली गई है। ये इंजॉयमेंट है, ये सोशल मीडिया कैंपेनिंग का, ये सब अपने को एक बेताज बादशाह बांध लिए हैं कि जिनको लगता है कि जो झूठ की सियासत है, भ्रम की सियासत है, वही वोट की ताकत होती है और उसी से वोट मिलती है। इन्हें काम करने से, कोई करने से या जमीन पे आने से उनको लगता है कि ये सब फजूल की चीजें हैं, ये फर्जी सियासत है।
ये सीधे मैं कह रहा हूँ इन बच्चों की तरफ से कह रहा हूँ जिनकी एक दर्दनाक मौतें हुई हैं कि इस फर्जी सियासत के शिकार हमारे ये बच्चे हुए हैं। बिल्कुल, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे नैरेटिव बनाते हैं कि दिल्ली के एमसीडी को हम ये चेंज कर देंगे, दिल्ली के एमसीडी का हम ये तक पूरा तस्वीर बदल देंगे। आज आप देखिए कि हालत क्या है कि 10 मिनट की बारिश में दिल्ली पानी की सड़कों पे लबालब पानी भरा रहता है, सारे नाले जाम है, नालियां जाम है, ये हादसा है। लेकिन विनोद जी, समय रहते ही, मानसून तो हर साल ही आता है, लेकिन समय रहते ही अगर कार्रवाई की गई होती, नालों की सफाई की गई होती, तो शायद आज ये हादसा ना हो रहा होता और हम अन्य खबरों का बात कर रहे होते। विनोद जी, लेकिन जब इस तरीके से मामले सामने आते हैं तो अभी तक हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचता है, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से तो बच ही रहे हैं, लेकिन एक संवेदनशीलता भी एकदम अगर देखा जाए तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल संवेदनहीन हो चुके हैं दिल्ली सरकार के लोग, क्या इतने भी नहीं है कि उन बच्चों से जाकर एक मुलाकात ही कर सके, जिस जगह पर वो हादसा हुआ उस जगह पर जाकर के वहां की जांच कर सके, और खास तौर पर जो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो इस हादसे के बाद में दो लोगों की गिरफ्तारी, दो लोगों को हिरासत में अभी तक लिया गया है सिर्फ। कृतिका, ये बहुत ही बेशर्म सियासत है। ये लोग जो अभी सामने में नहीं आ रहे हैं वो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, ये बताने के लिए तैयारी कर रहे होंगे कि ये इनको परमिशन, रॉ आईएएस इंस्टीट्यूट को परमिशन किसने दिया। जी बिल्कुल, वो ढूंढ रहे होंगे अपने बचने के रास्ते जो दूसरे पे आरोप पड़ सके। वो इस जिम्मेदारी से जो भागने की सियासत है वो सिर्फ इसलिए होता है कि इनको पता है कि हम सोशल मीडिया कैंपेन पे हम बड़े बड़े नैरेटिव्स और झूठ के मुंह में डाल के लोगों को भ्रम में डाल सकते हैं। उनको कुछ भी ये संवेदनशीलता उनमें मर गई है कि ये बच्चे जो दिल्ली में आ रहे हैं वो इस दिल्ली में आके दिल्ली को दे रहे हैं, वो दिल्ली से कुछ ले नहीं रहे हैं। आप उनको एक छोटी सुविधा देने के एवज में ये सारी सुख। जी शुक्रिया विनोद जी तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो कई सारे सवाल कहीं ना कहीं अब खड़े हो रहे हैं इस हादसे के बाद में कि आखिर इनका जिम्मेदार कौन है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की, ये सीधी तस्वीरें हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री परिषद की ये दो दिन की अहम बैठक, कल और आज की ये अहम बैठक, कल भी प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे और आज भी, तो वहाँ की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं, जेपी नड्डा आप को नजर आ रहे होंगे, साथ ही अमित शाह इस वक्त वहां पर मौजूद है, साथ ही बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ये खास अहम बैठक, दो दिनों की अहम बैठक जिसमें मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं टिप्स मिले होंगे कि एक दूसरे राज्यों में अगर कोई भी अच्छा मॉडल लागू किया गया है तो वहां से उस मॉडल को अडॉप्ट कीजिए, और जो केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। तो मुख्यमंत्री परिषद की अहम बैठक, दो दिनों की यह अहम बैठक इस वक्त जारी है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए थे जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर गुड गवर्नेंस पर जोर दिया था और साथ ही कहा था कि सभी राज्यों से एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल को लागू किया जाए ताकि जो हमारा लक्ष्य है साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना उसे पूरा किया जा सके और हर एक राज्य उस लक्ष्य को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस मिनट में इतना ही, बाकी देशभर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।